देखते ही देखते श्रीलंका को अभी गुड बाय बोलने का समय आ गया। आज मेरा फ्लाइट है यहाँ कोलंबो से चेन्नई का। अभी यहाँ हम किचन में बैठे हुए हैं। यहाँ ये हमारा होस्ट जो है हमारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही है। ये ब्रेकफास्ट खा करके मैं निकल जाऊँगा। ये हमारे होस्ट ने कल भी दिखाया था। हेलो, यू आर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी? यस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एवरीबॉडी। या तो या मैं ब्रेकफास्ट खा करके मैं निकल जाऊंगा। तो ये है मेरे ब्रेकफास्ट। ब्रेड 3 पीस दिए हैं। यहाँ मुझे जैम लगाने को बोल रहा था। मैं जैम अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अमलेट दिए हैं और ये चाय दिए हैं। मैं इसे अभी खाकर एयरपोर्ट के लिए मैं निकल जाऊँगा। तो मेरा स्टे से अभी मैं ये बस स्टॉप आ गया हूँ। अभी यहाँ से बस लेकर के एयरपोर्ट निकलूँगा। ये है मेरा बस। तो हम वो बस स्टैंड से अभी निकल गए हैं यहाँ एयरपोर्ट के लिए। मेरा कोलंबो से चेन्नई का फ्लाइट है और उसके बाद चेन्नई से बेंगलोर और बेंगलोर से फाइनली गुवाहाटी तक मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो अभी गाड़ी निकल रहे हैं। अभी ये एक्सप्रेस वे में है, ऐसा है। यार कुछ आधे घंटे में शायद पहुंच जाएंगे। तो बस कुछ ऐसा है, एसी बस है। तो यहाँ से अभी पहुंच जाएंगे आधे घंटे या 45 मिनट, उतना में पहुंच जाएंगे। श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें मेरा छूट गया है। ठीक है, अगले बार जब मैं श्रीलंका आऊँगा तो बाकी चीज़ें मैं कवर करूँगा। और कोलंबो में एक दिन और रुकना चाहता था, लेकिन फ्लाइट कन्फर्म होने के कारण मैं नहीं रुक पाया। बस वाला 5 किलोमीटर आगे हमको रुका दिया, तो यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा। पहले बोलने से तो हम नहीं लेना था। ये बस स्टैंड अगर रुका था, बस स्टैंड से 2 किलोमीटर ही है, 2 किलोमीटर भी नहीं, 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ ऑटो पूछता है अभी कितना लेगा। एयरपोर्ट हाउ मच फॉर एयरपोर्ट? या एयरपोर्ट हाउ मच? एयरपोर्ट 500 रुपीज़। 500? ओके, 500 रुपये लेगा एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से बस का ही 300 था, ओनली 300। विल यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। लेट्स गो। तो मैं पहुंच गया ये बंदरनाई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ऑटो ने मुझे छोड़ दिया था। तो मैं अभी चेक इन वगैरह कर लेता हूँ, सिक्योरिटी चेक इन, और वो बोर्डिंग पास मैं ले लेता हूँ, और इमिग्रेशन मुझे करना पड़ेगा। यहाँ अगर आपका पास श्रीलंकन करेंसी कुछ टूट गया तो यहाँ एक्सचेंज करा सकते हैं। मेरे पास तो है, लेकिन मैं एक्सचेंज नहीं कराऊँगा। अंदर कुछ कॉफ़ी वगैरह होंगे तो मैं पी लूँगा। ये कुछ एयरपोर्ट का नज़ारा। ठीक है, मिलते हैं अंदर में आप लोग को। तो मैं अंदर आ गया एयरपोर्ट का। इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, बोर्डिंग पास सब कुछ मैंने ले लिया। यहाँ मेरा एग्जिट स्टैम्प लग गया अभी मेरे पासपोर्ट पे। तो अभी फ्लाइट बोर्डिंग तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन मेरा गेट नंबर पे जाना पड़ेगा। मेरा गेट नंबर है गेट नंबर टेन। वहाँ जाने से पहले आप लोग को ये ड्यूटी फ्री एरिया है, ये मैं आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ दारू वगैरह बहुत सस्ता मिलता है, रेड लेवल $46। दारू वगैरह हमको लेना नहीं है, लेकिन ऐसे दिखा रहे हैं आप लोग को। दारू सस्ता मिलता है यहाँ, मतलब टैक्स नहीं लगते है यहाँ में। बिना टैक्स का यहाँ में ड्यूटी फ्री एरिया में दारू मिल जाता है।
अगर दारू लेना चाहेगा तो ले सकता है, यहाँ से मैं कुछ ले लूँगा खाने के लिए। मेरा फ्लाइट 2 घंटा है अभी भी, तो काफ़ी वेटिंग में था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। इतने सारे आदमी खड़े हैं ये यहाँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, वहाँ जो बोर्डिंग पास देने वाले थे वो मुझे बोल रहे थे कि गेट नंबर 12, लेकिन मेरे बोर्डिंग पास पे लिखे हैं गेट नंबर 10। मुझे ये समझ में नहीं आया, पूछता हूँ लेकिन भी। दिस इज़ डिपार्चर गेट, ओके। तो गेट 16-14 शायद, या इस तरफ होगा आगे, उस तरफ दिखा रहा है 6-14 स्ट्रेट। बोर्डिंग शुरू तो नहीं होगा मेरा, अभी समय है। ओके 6-14 उस तरफ है, ये 6-14। या गेट नंबर 10-11। वो ये बाहर इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, दूसरा फ्लाइट का हो रहा है और मेरा 2 घंटे का बात होगा। तब तक मैं कॉफ़ी लेके पीता हूँ। तो यहाँ है प्राइस, पानी बोतल बहुत दाम होते हैं अंदर, 1 USD 500 ml के। या नेस्कैफे, नेस्कैफे रेडी शुगर, रेडी शुगर राइट नाउ नॉट अवेलेबल, नॉर्मल शुगर ओनली ब्रो। यू डोंट हैव? यस। ओके देन नेस्कैफे विद मिल्क, ओके ठीक है। तो चॉकलेट कुछ मिला ठीक है, ये कुछ ऐसे है। नेस्कैफे विद मिल्क $1, $1 में $1 श्रीलंकन 300 70 350 350 ओके 350 ओके। तो मैं ले लिया ये कॉफ़ी ले लिया, इसका पड़ा मुझे $1। ये एक केक ले लिया और एक कुकीज लिया है, ये दोनों का पड़ा 700 श्रीलंकन रुपीज। तो मेरे पास थोड़ा पैसा पड़े हुए थे श्रीलंकन के, तो उसको मैंने यहाँ खर्चा कर दी। ये खा करके इंतज़ार करता हूँ कब तक बोर्डिंग स्टार्ट होगा, अभी तक तो बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ। तो बोर्डिंग शुरू हो गई है, सिक्योरिटी वगैरह चेक हो रही है, मैं करा लेता हूँ, करा के यहाँ बैठेंगे अंदर, फाइनल सिक्योरिटी चेक करके। अभी ये बोर्डिंग एरिया में आ गया है, ये बोर्डिंग एरिया कुछ ऐसा है। फ्लाइट अभी तक आया नहीं, फ्लाइट वहाँ आएगा, फ्लाइट आएंगे तो बोर्ड कर लेंगे। तो हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, फ्लाइट को बोर्डिंग करने का समय आ गया, अभी निकल जाएगा चेन्नई के लिए। सीट मुझे मिल गई, मेरा 12 पे है, आते समय भी चेन्नई से यहाँ आते समय भी मुझे विंडो सीट दिया गया था, अभी विंडो सीट है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, पासपोर्ट में ऑफिशियली एंट्री हो गया अभी यहाँ इंडिया में। तो अभी फिर से मेरा रात को फ्लाइट है, डोमेस्टिक फ्लाइट है,
तो यहाँ लेओबर मेरा काफ़ी लेट है, अभी 4 बजने को है लेकिन 10 बजे मेरा फ्लाइट गुवाहाटी के लिए। पहले बेंगलोर जाना पड़ेगा, फिर बेंगलोर में भी लेओवर है, उसके बाद मैं कल पहुंचूंगा। बेंगलोर में भी लेओवर है, उसके बाद मैं गुवाहाटी पहुंच जाऊंगा। तो मिलते हैं आप लोग को रात में। हम प्रेसअप हो करके फिर से वापस यहाँ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गया। मेरा आज रात का फिर से फ्लाइट है यहाँ से चेन्नई एयरपोर्ट से बेंगलोर का। तो मेरा लेकिन बेंगलोर में फिर से लेओवर है, 9 आवर्स का लेओवर है। तो वहाँ 9 आवर्स के बाद कल सुबह फिर 7 बजे मेरा बेंगलोर टू गुवाहाटी। तो मैं अभी चेक इन वगैरह सिक्योरिटी वगैरह कर लेगा। मेरा सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो गया, अभी गेट नंबर कितना है वो देखना पड़ेगा। तो मेरा गेट नंबर 11 है, मेरा 2 घंटा है अभी फ्लाइट को। तो या गेट नंबर 11 नीचे जाना पड़ेगा। गेट नंबर 11 उस तरफ है लेकिन अभी तक बोर्डिंग शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एयरपोर्ट में पानी का बहुत दाम होता है वहाँ, इसमें कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक पानी बोतल का जो 20 रुपये होता है यहाँ, उसका $1 ₹83 था। तो यहाँ हम अभी पानी लेंगे और उसके बाद एक कॉफ़ी ले लेंगे। तो पूछते हैं हम पानी कितना है। मैडम, वन वाटर बॉटल हाउ मच? 60 रुपीज़। ओके, तो यहाँ 60 है, एक छोटा वाला जो 10 रुपये बोतल आता है ना उसका 60 है। कॉपी भी मैंने ले लिए हैं, ये कॉपी का भरा मुझे 220। तो फाइनली 3 घंटा इंतज़ार करने के बाद, 3 घंटा ज़्यादा हो गया, 3 घंटा 30 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारा अभी बोर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया। तो फ्लाइट को अभी बोर्ड कर लेंगे। हम फ्लाइट पे बैठ गए मगर इस बार विंडो सीट नहीं मिला। स्थान पर बैठ जाओ, धन्यवाद। हमारी फ्लाइट लैंडिंग कर गए थे, यहाँ एक इशू हो गया लेकिन ठंडा पड़ गया, मगर मेरा सामान तो सीधा गुवाहाटी में मिलेगा हमको। तो रात को क्या करेगा अभी तो पता नहीं, देखते हैं, लेकिन यही में सो जाएंगे, कहीं कोना में देख लेंगे। यहाँ से निकल के भी कोई रूम लेंगे तब भी वापस तो आना ही पड़ेगा। तो अभी समय हुए हैं 1 बजने को है, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो मुझे यहाँ ट्रांसफर में जाना पड़ेगा ट्रांसफ़र। तो मेरा फिर से सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हुआ है वहाँ ट्रांसफ़र में घुसने के बाद, तो यहाँ सुबह तक रहना पड़ेगा, सुबह 7 बजे तक। 7 बजे के बाद तो बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। फाइनली 7 घंटे बाद हमारा गेट नंबर निकल गए, हमारा गेट नंबर 1 है, 1 से हम अपना फ्लाइट बोर्डिंग करेंगे। ये गेट नंबर 2 और वो आगे गेट नंबर 1। अभी हम फ्लाइट बोर्ड कर लेंगे, उसके बाद गुवाहाटी के लिए निकल जाएंगे। तो सुबह के समय है, 8 बज रहे हैं। तो दोस्तों हम लैंडिंग कर गए गुवाहाटी पर, और मेरा श्रीलंका तो गुवाहाटी का सफ़र भी यही ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरा श्रीलंकन सीरीज़ अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा।
और मेरा श्रीलंका सीरीज यही ख़त्म होता है। आप लोग से मैं फिर जल्दी मिलूँगा एक नए देश में एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया सभी को।